हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग ऑल इन वन। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया मेथी आलू पालक की सब्ज़ी। सो जैसे कि ये मेथी है हमारी 3 पाव और सोया 1 गड्डी और पालक जो है वो 1 गड्डी। देखिए, पालक ऐसे जोड़ेंगे हम, इसकी डंडियां काटेंगे और मेथी को भी ऐसे मेथी को पूरी डंडियों से तोड़ेंगे। ये हम लोग पालक को काट रहे हैं। अब पालक मेथी सोए को तो नहीं काटते, सोया बिल्कुल जब हम चढ़ा रहे होंगे सब्जी को, सोया हाथ के हाथ काटेंगे। देखें, मेथी ऐसे काटते हैं। हम इसको 2 टाइम्स धोएंगे, इसकी मिट्टी पूरी तरीके से निकालेंगे, हाफ हाफ करके धोएंगे क्योंकि ज़्यादा है सब्जी। तो हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, इसके तेल की हीट निकल जाएगी, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा ब्राउन करेंगे। इसकी आँच हम थोड़ी हल्की कर देंगे दम पे, क्योंकि ये जो तेल है ना, इसमें जब हम प्याज डालेंगे तो आग में लग जाए, क्योंकि तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और हीट भी निकल चुकी है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, हंसवे जाएगा ज़ीरा, आप मतलब अपनी क्वांटिटी जितना आप खाने में डालते हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं ज़ीरा। अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, इसमें फिर सब्ज़ी डालेंगे। सब्ज़ी अब देखें और डाल लें, देखें पूरी फुल हो जाएगी कढ़ाई। और ये सब्ज़ी पानी छोड़ती है तो ये अपने ही पानी में गल जाएगी। इसको हम 15 से 20 मिनट दम पे पकाएंगे और ये खुद पानी छोड़ेगी सब्ज़ी और ये अपने पानी में गल जाएगी। और ये काफ़ी इजी सब्ज़ी है, सोया मेथी आलू पालक काफ़ी इजी है, सो हर कोई बना सकता है इसको आराम से। 10 मिनट में ये बन भी जाती है, 10 से 15 मिनट में। के डाला है क्योंकि ये काफ़ी पतला होता है, धोने में ना सब निकल जाता है, इसलिए अभी हम लोगों ने जो है ना ये सोया ऊपर से डाला है। ये देख रहे हैं ना, ये सोया ऊपर से डाला है। आलू डालने इसके अंदर, अब थोड़ी देर इसको चलाएं। अब सब्ज़ी के अंदर हम 1.5 चम्मच कुटी मिर्चें डालेंगे। ये देखें, कुटी मिर्चें 1.5 चम्मच डाल दी है अब हम लोगों ने। अब मैं इसको थोड़ी देर चलाएँगे। नमक डालेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच नमक डाला है, फुल भर के 1 चम्मच। ये देखें सब्जी ने कितना अपना पानी छोड़ा, अब ये सब्जी अपने ही पानी में गल भी जाएगी। अब हम इसको थोड़ी देर ढक्कन ढक के पकने के लिए देंगे ताकि सब्जी गल जाए और आलू भी गल जाए। मसाले वगैरह काफ़ी अब हम लोगों ने डाल दिए, अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। पहले आलू डालें, अब आलू भी इसके साथ गलते रहेंगे। देखें, सब्जी ने अपना पानी छोड़ा ना, सब्जी अपने ही पानी में गल भी जाएगी 15 मिनट में। सो गाइस, सब्ज़ी तो आपके सामने हमारी पकी गई है और काफ़ी अच्छी पकी है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सो गाइस, काफ़ी व्लॉग छोटे जा रहे हैं आई नो, बट आप लोग मुझे बताएं कि मैं कुकिंग का करूँ या ऑल टाइप करूँ, जो आप लोग कहेंगे फिर मैं वो व्लॉगिंग किया करूँगी। सो गाइस बताइएगा। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, इसमें खुशबू भी बहुत आ गई है। अब इसको हम इसको ढक्कन ढक के इसलिए पकाएंगे क्योंकि हरी मिर्चों की और अच्छी स्मेल आ जाए। एंड हाँ, हमने ये चटनी बनाई है हरी मिर्च की, पुदीने की एंड सैलड्स वगैरह। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर आप दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। एंड ये गुजराती थाली है गाइज, ये हम लोग गुजराती हैं। सो लाइक करिएगा, थैंक यू।